अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आपका व्यू दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा खूबसूरत मौसम है यहाँ पर। देखिए ये हमारे घर की बैक साइड है, जो हमें काफ़ी अरसे के बाद आज पता चली है कि ये इतनी खूबसूरत जगह जो है वो हमारे घर के पीछे भी है। ये है लाइब्रेरी और यहाँ पर कुछ क्लासेस भी होती। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर की जाए ये खूबसूरत सी जगह। मौसम भी बहुत अच्छा था और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय भी किया, तो हम लोगों ने सोचा कि आपके साथ भी वीडियो बनाई जाए और आपके साथ भी शेयर किया जाए। ये आज आपके लिए क्वेश्चन है कि मैं कौन सी आज शाही सवारी पर बैठी हुई हूँ। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया है, मतलब दिखाया भी है, तो मुझे यहाँ तक जिस जिस लोगों ने वीडियो देखी है मुझे कमेंट करके बताएं लाजमी कौन सी सवारी है जिस पे मैं बैठी हुई हूँ। ठीक है, आपने मुझे लाजमी बताना है और इसकी इन्फो मैं आगे भी दूंगी वीडियो में, ये मेन वीडियो उसी के लिए है। बहुत इज्जत करते हैं साइकिल चलाने वालों की और साइकिल की भी। अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर साइकिल जो है जर्मनी में साइकिल स्टैंड से हम साइकिल कैसे लेंगे और कैसे रखेंगे। अब हम रखने आए हैं, ये स्टैंड है, कितना खूबसूरत स्टैंड है छोटा सा। ये सवारी थी हमारी घर से यहाँ तक की जिस पे हम बैठ कर आए हैं। बहुत मज़े की सवारी थी ये, और देखिए आज मौसम कितना खूबसूरत हुआ है। अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले सुबह धूप थी और अब जो है यहाँ पर फिर उसके बाद बारिश होने लग गई। देखें बारिश के बाद साथ साथ स्नो हो रही थी, फिर धूप निकल आई और अब देखें इतना खूबसूरत आसमान लग रहा है। ये सारी लाइब्रेरी है, ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। ये देखिए यहाँ मौसम दोबारा से बहुत अच्छा हो चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे स्टैंड यहाँ पर, तो यहाँ से ये होता है कि ये हर घर के या हर स्टॉप के पास ये साइकिल स्टैंड बनाए हुए हैं। यहाँ पर साइकिल ये होते हैं, एक घंटा फ्री होता है, ये इसको ऑनलाइन स्कैन करना पड़ता है। रेंट पे जैसे पाकिस्तान में हम लोग रेंट पे लेते थे पुराने दौरों में, वैसे ये एप्लीकेशन लेने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट बाइक में। यहाँ हम चेक करेंगे, यहाँ पर जाकर ये रेंट पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा क्यू बार कोड इसका। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे इसके बाद हम कंफर्म करेंगे, जैसे हम कंफर्म करेंगे वो लॉक खुद ब खुद खुल जाएगा सब। वाओ, और हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने ये बाइक रेंट की है और इसके बाद हम इस बाइक को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे और अब ये अनलॉक हो गई है, और लॉक करने के लिए भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। नहीं पकड़ो, चला नहीं। अब इसके बाद हम इसकी कंफर्टेबल अच्छा सीट ऊपर नीचे हो जाती है, और ये हमारा स्टैंड है जिसमें हम चीज़ें रख सकते हैं। ये है सोलर पैनल, जिस तरह मैंने आपको अभी दिखाया, ये टोटली जो वर्क कर रहा है जीपीएस इसके अंदर लगा हुआ है। यहाँ इसके अंदर नीचे क्या लगा हुआ है? जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, ट्रैकिंग अच्छा। सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ पर भी साइकिल जाएगी इसको ट्रैक करेगा खुद ब खुद और उसको अपडेट करता रहेगा एप्लीकेशन में, आपने इतना ट्रैवल कर लिया, आपकी इतनी माइलेज हो गई, इतना रेंट होगा, इस तरह से उसको पावर जाएगी यहाँ से सोलर पैनल से। सही, आप स्टैंड भी लगा सकते हैं और एक घंटे के लिए इसको जहाँ पर मर्जी फ्री लेके जा सकते हैं। आपको इसको चार्ज करना पड़ता है क्योंकि हम स्टूडेंट्स के तौर पर अगर इस्तेमाल करेंगे आप तो फिर फ्री है। अच्छा, अदरवाइज आपको इसका एक घंटे का एक यूरो देना पड़ेगा। सही, स्टूडेंट्स को पहला घंटा फ्री है, उसके बाद हमें 30 सेंट देने पड़ते हैं पर आवर। और ये साइकिल जो नंबर है ये सबका डिफरेंट होता है, हर साइकिल का नंबर डिफरेंट है, जैसे उन साइकिलों का नंबर डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पर तीन चार तीसरी है, ये दूसरी है साइकिल। अच्छा ठीक, ये थर्ड गियर पे चल रही है, जैसे पाकिस्तान में गियर होते थे,
गियर लगा हुआ है यहाँ पे, चैन इसके अंदर नीचे शिफ्ट होगी, इसके अंदर एक उन्होंने मैकेनिज्म बनाया हुआ है इस तरह। अच्छा, गियर सिस्टम है ताकि हर तरह के आप इन्वायरमेंट में इसको अचीव कर सकें। प्लस ये इसकी अच्छा, इसको घर बैठे भी ऑनलाइन तो रिजर्व कर सकते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए कुछ एप्लीकेशन में आ जाता है, कुछ में आप आधा घंटे के लिए कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्या सही कौन से रीज़न। इसके आगे इन्होंने लाइट भी लगाई हुई है, इस बाइसिकल में नहीं लेकिन नॉर्मली बाइसिकल। इसमें कोई एक्स्ट्रा बैटरी की ज़रूरत नहीं है, जैसे साइकिल चलेगा खुद वो चार्ज करेगा। बाकी इसमें एक और है कि ब्रेक जो है ये फ्रंट भी है बैक भी है, लेकिन यहाँ पैडल रिवर्स नहीं होता, अगर आप रिवर्स करेंगे तो उसमें ब्रेक लग जाएगी। वो जैसे नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि आपका जब गियर लग जाए, गियर वाले साइकिल होती है उसमें से होता है, आप साइकिल रिवर्स नहीं कर सकते। सही, आज रास फाश हुआ है क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि हमारे घर की बैक साइड पर इस तरह से ये इतनी खूबसूरत सी जगह है। ये देखें कितनी खूबसूरत है, और आज इतना प्यारा मौसम है यहाँ पर तो। और फिर बाय चांस हमें यहाँ पर साइकिल स्टैंड भी मिल गया। पाकिस्तान में तो हम लोग इसको इसकी कोई मतलब वैल्यू ही नहीं थी साइकिल वालों की, साइकिल चलाने वालों की या साइकिल की, तो यहाँ पर तो बड़ी कदर होती है। साइकिल में इस तरह से पीछे उन्होंने रेड लाइट भी लगाई हुई है ताकि पीछे आने वालों को मसला ना हो। और ये अगर जब आपने साइकिल वापस करनी तो इसके लिए आपको ऐप में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको जस्ट ये बटन प्रेस करना और आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। ये इन्होंने एक स्टेल वो बनाया हुआ है, स्टेल इसको कहते हैं, जैसे पार्किंग का एरिया, इसमें आप ये भी सोलर पैनल से चार्ज हो रहा है। तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली उन्होंने बनाया ताकि साइकिल ज़्यादा यूज़ करें लोग। और इसके ऊपर स्क्रीन भी होगी, इन्होंने प्रॉपर गाइड भी किया हुआ, देख रहे हैं आप इसको। अच्छा, ये सारी इसकी इन्फो है, बोल ये इस तरह सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है स्टेशन के बैक साइड पे कि आप किस वक्त कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं और किस शहर में और कैसे कैसे इनके नेक्स्ट स्टॉप्स हैं, और अगर आपने देना है बाइक को तो कैसे वापस करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की हुई। ये जर्मन में भी लिखा हुआ, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, सही। तो ये है। अच्छा, जब इसको वापस रखना होता है तो हम इसके अंदर भी तो लॉक के अंदर डाल के भी तो कर सकते हैं। ये साइकिल का आगे ये बना हुआ है छोटा हुक, और हमारी साइकिल इसके अंदर फिक्स हो जाएगी। ठीक, साइकिल की आप देख रहे हैं दो तरह की किस्में, एक ये वाली है और एक वो पीछे वाली है। ये जो साइकिल है ये हमारे पास जेंट्स की साइकिल होती है, लेकिन लेडीज़ के लिए जो साइकिल होती है उसमें इस तरह होती है, लेकिन दोनों यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज और कबाहत की बात नहीं है। और यहाँ स्टैंड नहीं है जैसे पाकिस्तान में होता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक साइकिल में एक वक्त में एक ही बंदा जा सकता है, डबल सवारी यहाँ पर कानूनी तौर पर जुर्म है। आज दरअसल रोज़ा जो है वो हमें लग रहा था, तो हमने कहा चलो थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाए, और हमें पता भी नहीं था इस जगह का, तो हम यहाँ पर आए और यहाँ और हम लोगों ने थोड़ा सा फ़न के लिए ये साइकिल चलाई, इस साइकिल पर हम दोनों बैठ कर आए थे। ये पाकिस्तान की याद ताज़ा करने के लिए ना। हाँ जी, तो पाकिस्तान में जैसे हम दो बंदे एक साइकिल बैठते हैं, इसको याद ताज़ा करने के लिए लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी की एंट्रेंस है कि B1 क्या क्या मतलब राइश को क्या कहते हैं, अपार्टमेंट्स वाले बिल्डिंग है। अच्छा, Building 1, Building 2 इस तरह से सही। इसी के अंदर ऑफिस दिखा था ना। अच्छा, ये ऊपर जो है फ्रंट पे ऑफिस है। ठीक, बहुत ज़बरदस्त जगह है यहाँ पर। जर्मनी की ख़ास बात है कि यहाँ पर जो जगह हैं घर के इर्द गिर्द के जो एरिया है वो बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ फ्री टाइम में ग्रीनरी बहुत है, और फ्री टाइम में हम जो है वो इजीली यहाँ पर आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं मौसम को। तो अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत मौसम है, और अब वापस घर जाने को हमारा दिल भी नहीं कर रहा। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर देखें कितना ये साफ़ सुथरा एरिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर ये डस्टबिन रखी हुई हैं, और यहाँ पर कोई भी ऐसे फजूल कोई गंद नहीं गिराता, हमेशा खाने के बाद आप जो है गंद को डस्टबिन के अंदर ही गिराओगे, और भी ऐसा ही है।
और ये क्या चीज है? ये साइकिल बूट्स। साइकिल? साइकिल को इसके अंदर भी रख सकते हैं। अच्छा आ जाएगी साइकिल? हाँ पूरी साइकिल, साइकिल आप ये साइकिल बूट्स है, आप इसकी चाबी आपको लाइब्रेरियन से मिलेगी, आप इसके अंदर अपनी साइकिल रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ साइकिल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बहुत बहुत महंगी साइकिल्स होते हैं, 4-4 हज़ार यूरो, 5-5 हज़ार यूरो, यानी कि पाकिस्तानी 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। एरिया बहुत साफ सुथरा है, और ये देखिए यहाँ पर ये सारी डस्टबिन है, ये बड़ी बड़ी डस्टबिन, यहाँ पर जो भी गंद वगैरह है वो यहाँ पर ही आके गिराना। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के हमारे पास इनके कचरे के भी बॉक्सेस होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप के हैं, देख रहे जैसे आप। तो जैसे ये येलो है, वो ब्लू है और वो ग्रीन है, क्योंकि ये लाइब्रेरी है तो यहाँ पर ब्लू उन्होंने 4 रखे हैं। ब्लू बेसिकली पेपर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ग्रीन जो है हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे थे जो रेस्टमील होता है, यानी कि जिसमें आ जाता है हमारे पास नॉर्मल खाने की चीज़ें या कोई फूड का कचरा वगैरह इस तरह से, मतलब जो आप खाने का वेस्ट करते हैं वो। ये भी 4 ही हैं। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा सख्ती है। ये देखिए ये भी बिल्कुल साफ सुथरा एरिया है, कोई गंद नहीं है कुछ भी, रोड्स पर भी ऐसे ही है, कोई गंद नहीं है। और ये क्या है? जर्मनी में एसी वगैरह नहीं होता, तो क्योंकि यहाँ सर्दी इतनी पड़ती है, अभी भी चूँकि अप्रैल का महीना तो सर्दी हो रही है, उसके बावजूद इन्होंने ये जो लगाया है, इन्होंने ये हीट के लिए लगाया और ये वेंटिलेशन सिस्टम लगाया है, ताकि पूरे एरिया को हवा जा सके अंदर से। अंदर यहाँ पर एसी को हीटर के तौर पर यूज़ करते हैं लोग, बाकी वेंटिलेशन हर एक चीज़ को उन्होंने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि ताकि जैसे कि कार पार्किंग एरिया उन्होंने हाईलाइट किया हुआ चीज़ें आपको, ये पार्किंग देख रहे हैं, ये साइन, ये सिर्फ जो बेचारे भेंडेड होते हैं यानी कि माजूर लोग होते हैं उनके लिए पार्किंग के एरिया, कोई आम बंदा पार्क कर नहीं सकता गाड़ी, वो देख रहे हैं हाई वोल्टेज के जो हमारे टावर आ रहे हैं शहर के ऊपर से, ये नॉर्मली बिजली की जो हैवी हाई वोल्टेज की वायरिंग होती है वो नहीं ले जाती, टोटल वायरिंग जो है अंडरग्राउंड होती है, तो जहाँ पर भी आबादी आ रही होती है तो फिर उसको उसको मोड़ देते हैं, जैसे यहाँ मोड़ दिया, जहाँ गैर आबादी वाले इलाके में कुछ जान आबादी इलाकों की तरफ मोड़ देते हैं। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी इन्फो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।